आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की रणनीति क्या है। आज के सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक व्यापक रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह परीक्षा अपनी कठोर प्रकृति के लिए जानी जाती है और हम इस प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हैं। सबसे पहले आइए परीक्षा को ही समझें। यूपीएससी में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यह आपके ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल और व्यक्तित्व लक्षणों का परीक्षण करता है। अब आइए प्रारंभिक परीक्षा रणनीति पर गौर करें। मजबूत नींव के लिए एनसीईआरटी और मानक पाठ्य पुस्तकों से शुरुआत करें। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से अपडेट रहें। समय प्रबंधन और सटीकता में सुधार के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। वैकल्पिक विषयों का चयन करें जिनके बारे में आप भावुक हों और जिनमें आपकी मजबूत पकड़ हो। नियमित रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास करें और स्पष्टता, संक्षिप्तता और संरचना पर ध्यान दें। निबंध पेपर के लिए विविध प्रकार के विचार विकसित करें। अपनी जीएस तैयारी में करंट अफेयर्स को एकत्रित करें। अंत में आइए साक्षात्कार की तैयारी के बारे में बात करते हैं। अपने आप को पेशवर रूप से प्रस्तुत करें। समसामयिक घटनाओं पर प्रश्नों के लिए तैयार रहें। गुरुओं या साथियों के साथ अभ्यास करें। समय का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। आप अपने दिन की योजना बनाएं। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक अध्ययन लक्ष्य निर्धारित करें। नियमित पुनरीक्षण के लिए समय आवंटित करें। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें और नियमित ब्रेक लें। प्रेरित बने रहना महत्वपूर्ण है। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने आप को सकारात्मक और सहायक व्यक्तियों से घेरें। निष्कर्ष या फिर यूं कहें कि यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, कोई दौड़ नहीं। समर्पित रहें, एक संरचित योजना का पालन करें और खुद पर विश्वास रखें। लगातार प्रयास से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है यह रणनीति मार्गदर्शिका आपकी यूपीएससी यात्रा में आपकी मदद करेगी। शुभकामनाएं और याद रखें, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है।